असल में जो जिंदगी गुजारने के लिए जो आपको जबरदस्त किस्म की जो चीज चाहिए ना, वो आपके अंदर एनर्जी है, जो आपके अंदर वाइटल फोर्स कुदरत रखी हुई है। आप जब गौर करें कि ये जितनी चीजें हैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकती, लेकिन आप हैं कि यू कैन गो, यू कैन मूव वन प्लेस टू अनदर, ये नहीं कर सकती। क्यों? कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने वाइटल फोर्स नहीं रखी हुई। आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कुव्वत से नवाजा है, वो है आपके अंदर रखी हुई वाइटल फोर्स। अच्छा, ये जो वाइटल फोर्स अल्लाह ने रखी हुई है, अल्लाह सुभान ताला ने जो आपको की बहुत बड़ी ताकत से नवाजा हुआ है, एक बहुत बड़ी आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक रोशनी रखी हुई है, ये कभी कभी बुझ जाती है, कम हो जाती है। जब कोई आके आपको कोई ऐसी बुरी बात बताता है जिंदगी में, तो ये कम हो जाती है। और जैसे कोई आके आपको बड़ी कमाल की बात बताता है, बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर कोई शख्स आपकी ताकत को, आपकी एनर्जी को नेगेटिविटी के जरिए खत्म करने की कोशिश करे, तो आप वहां से रिमूव हो जाएं, वहां से चले जाएं, किसी और साइड से चले जाएं। आपको जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं लाइफ के अंदर, तो ये जिंदगी है, ये आप अकेले तो है नहीं है। यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है, जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, चाहे सड़क पे हो, चाहे घर पे हो, पड़ोसी हो। तो जो भी आपकी एनर्जी को खा जाए, मैं एक आपसे बात शेयर करूंगा। एक रशियन, यहाँ पे सब लोग मोस्टली मैंने देखा है जो ट्रेनर हैं, और कोशिश मेरी है कि जो और लोग हैं जो आप में, वो ट्रेनर बन जाएं। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, अल्लाह सुभान व तआला से मेरी दुआ है कि या खुदावंद आलम कि इनके अंदर ऐसी रोशनी पैदा कर दे कि ये पूरी कायनात के लिए रोशनी बन जाए। और मेरी पूरी कोशिश है, हर वो चीज जो मेरे पास मौजूद है, जो अल्लाह सुभान व तआला ने मुझे अता की हुई है, चाहे वो पाकिस्तान से हासिल की, पाकिस्तान से बाहर जाके हासिल की, जैसे मैंने पिछली दफा भी शेर पढ़ा था इकबाल का, तो क्या हम इकबाल के इस कमरे में जहाँ पे इकबाल की तस्वीरें और उसके अशार लगे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये कहते हैं इकबाल के, मशरिक से होना बेजार, मशरिक से होना बेजार न मगरिब से हजर का, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। चाहे वो हमारे पास सिगमंड फ्राइड हो या जॉन मैकेन हो, चाहे ओजा सिल्वा हो या टोनी सिल्वा हो या एडवर्ड इगोरो हो, या दूसरी साइड पे हमारे पास जो हमारे आइमा कराम थे उनमें से कोई भी हो, जो भी इलम जहां से भी मिलेगा वो हमारा इलम है, हमने सीखना है और इस कायनात को खूबसूरत तरीन बनाना है, ये हमारा मकसद है।